उनके अरे सॉरी घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं। तो एक जनसांख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की, उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया, और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर ये जो वहां पर एक फ्री रेजिम है नेपाल की तरह, वहां पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई। 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहाँ से 40 किलोमीटर से आएगा उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाड़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर। और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर अफवाह जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा है परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरी हो गई। स्पर्धा का भाव होता है और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने। और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अभी इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर, मैं आगे भी कहना चाहता हूँ। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नार्कोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है, इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर अब दो सवाल हैं कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूँ, इतनी शांति से बताऊँगा। कोई जरा भी मन में मैं कि कोई किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं, मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे
राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंडोर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे, और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने, आपको मालूम है जवाब किसने दिया मान्यवर? इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। अरे मुझे नहीं बोलने देते मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्रैवल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई आप जरा देखिए कि नस्ले हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूं उनके साथ, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे, मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला, ये भी नस्लीय हिंसा है, मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं, 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे।